अरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में। हम बात कर रहे थे संविधान की और संविधान को कैसे बनाया, क्या क्या प्रीवियस जो हमारा इतिहास रहा संविधान का, उन सारी चीजों को हमने अभी पिछले वीडियोस में एक बार डिस्कस कर चुका है। अभी हम संविधान बन चुका था, क्या क्या संविधान के अंदर है ये भी देख चुके थे और हम यहाँ बात करने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं हम संविधान के अंदर जो बहुत सारी विशेषताएं। क्योंकि हमने लगभग 60 देशों के संविधान को देखा है ना, और 60 देशों के संविधान में से बहुत सारे देशों से हमने अलग अलग चीजों को अपने संविधान में रखा है, तभी तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है भारत का संविधान। तो ऐसा क्यों है, क्या है, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, हम यहां चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो संविधान जो प्रारूप समिति थी संविधान की, संविधान प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो गठन हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का भारत में, सो इनने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है। संघात्मक संविधान का क्या ही मतलब होता है, संघात्मक संविधान का मतलब है कि भारत एक संघ है राज्यों का, है ना। सो राज्यों को मिला के चलने वाला फेडरलिज्म की बात करी हुई है, क्या है, संघात्मक संविधान है ये। लेकिन बहुत सारे विद्वान इस पर एक मत नहीं होते, मतभेद है लोगों में। अमेरिकी विद्वान हैं जो कहते हैं इसको छद्म संघात्मक संविधान। क्या, छद्म संघात्मक संविधान। कुछ पूर्वी संविधानवेत्ता जो है वो उसे अमेरिकी संविधान के समान एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि भैया अमेरिकी संविधान एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं है, दुनिया के और देशों के संविधान भी तो संघात्मक हो सकते हैं। सो संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित, किसमें, संविधान के अंदर निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, ना कि किसी देश पर। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मानवीय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है इसे पूर्ण संघात्मक ही माना है हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, किसको, भारतीय संविधान को। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है संघात्मक प्रवृत्ति, किसकी, भारतीय संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था, उसके अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये तो विशेषताएं भारत की सबसे पहले प्रस्तावना में बता दी गई। तो क्या क्या हैं ये विशेषताएं, इन पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। संप्रभुता की बात करी हुई है, प्रभुत्व संपन्न, है ना। सो क्या है संप्रभुता, शर्त का मतलब जो होता है वो होता है सर्वोच्च या फिर स्वतंत्र होना, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है हम, या किसी देश के अधीन नहीं है, किसी बड़े व्यक्ति के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, राजे महाराजे कोई नहीं है, ना कोई देश है, हम भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है। सो संप्रभु है हम, भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से क्या है, पूर्णतः मुक्त है, और इसीलिए वो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र कहलाता है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित किया जाता है, किसको, भारत को, इसलिए संप्रभुता संपन्न है, यही सरकार कानून बनाती है और लोगों पर शासन भी करती है। इसका क्या मतलब है, संप्रभु है भारत, कैसा है, संप्रभु मतलब हम प्रभु, हम ही अपने प्रभु हैं, हम ही मतलब भारत के लोग। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समाजवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समाजवादी क्या है, समाजवादी विचारधारा। सो समाजवादी शब्द पहले तो भारतीय संविधान में था नहीं, लेकिन बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान। तो भैया ये लघु संविधान में इस शब्द को जोड़ दिया गया था समाजवादी, और इसका मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए, किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता, सामाजिक मतलब सारे समाजों को मिला के सभी समान समाज होने चाहिए, और आर्थिक ऊंच नीच या फिर अमीरी गरीबी जो है उसको समान लाने का सुनिश्चित करना, ठीक है। सो यही सामाजिक समाजवादी विचारधारा होती है, जिसमें चाहे जाति हो, रंग हो, नस्ल हो, लिंग हो, धर्म हो या भाषा हो, इन सभी आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर दर्जा दिया जाएगा, साथ ही साथ अवसर भी बराबर दिया जाएगा। कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी सरकार, क्योंकि हमें आर्थिक समानता भी तो लानी है, और सभी नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने के लिए सरकार क्या करेगी, प्रयत्न करेगी। यही सोच होती है समाजवादी किसी भी राष्ट्र की, ठीक है। सो समाजवादी सोच भी है। समाजवादी के बाद
भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है, मतलब एक मिश्रित है फल का भाग। जैसे आर्थिक मॉडल को अपनाया जो है वो सरकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता का खात्मा करा दिया गया, उन्मूलन कराया, जमींदारी अधिनियम को हटाया गया, बनाया गया, या फिर समान वेतन के अधिनियम की भी बात करी गई। ये क्यों? क्यों? आर्थिक समानता लाने के लिए, सामाजिक तो है ही, आर्थिक समानता के लिए भी। बाल श्रम निषेध किया गया, ये सारे कानून क्यों बनाए गए कि भैया लोगों में चाहे वो किसी भी प्रकार से सामाजिक तौर पर हो या आर्थिक रूप से बराबरी की बात करने की बात, समानता, समाजवादी विचारधारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंथ निरपेक्षता की। पंथ निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों है भैया? ये भी पहले था नहीं, बाद में इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और इसका क्या ही मतलब होता है कि यह सभी पंथों की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। मतलब क्या है आपका कि कोई धर्म होता है, धर्म के अंदर भी संप्रदाय बट जाते हैं जिनको पंथ कहा जाता है, है ना। सो धर्म तो छोड़ो, पंथों में भी बराबरी की बात कर रहे हैं, किसी को ऊंच नीच कुछ नहीं करने की बात है। तो भारतीय सरकार किसी प्रमुख धर्म को सपोर्ट नहीं करती है, किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म, सबकी बराबरी की बात करने की बात करती है, जिसे पंथ निरपेक्षता कहा जाता है, ठीक है। सो ना ही किसी से भेदभाव करता है, है ना, और ना ही किसी को बढ़ावा देता है। यह सभी पंथों का सम्मान बराबरी से करता है और समान व्यवहार करता है हर व्यक्ति का अपने पसंद से, समझ रहे हो ना, अपने पसंद के किसी भी पंथ का, धर्म का उपासना करना, उसके पालन पोषण करना, उसका प्रचार करना, ये सारे अधिकार सरकार ने दे रखे हैं व्यक्ति विशेष को कि आप चाहो तो जिस धर्म को भी मानना चाहो मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसको पालन पोषण कर सकते हो। सभी नागरिक, चाहे उसकी पांतिक मान्यता कुछ भी रही, कानून की दृष्टि में ही क्या है, सब बराबर होंगे। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इस पारसी, आरसी इत्यादि कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, सबके लिए कानून की नज़र में बराबरी दी गई है। सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, यहाँ पे अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पांतिक अनुदेश लागू नहीं होता, मतलब किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं किया जाएगा सरकारी तौर पे अगर उसमें कोई धन व्यय किया जा रहा है। तो लोकतांत्रिक ये एक अलग विशेषता है। क्या है ये कि भारत जो स्वतंत्र है वो किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता, संसद में अनुसूचित समूहों, अनुसूचित जातियों को, इनके समूहों को विशिष्ट सीटें आरक्षित करी गई हैं, और स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए भी निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। सभी चुनाव में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं, और यहाँ ये आरक्षित है ना, मतलब लंबित है, चल रहा है ये पूरा लेकिन कैसे इसका क्रियान्वयन होगा यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, इसीलिए इसको लंबित करके रखा हुआ है। भारत का निर्वाचन आयोग एक बिल्कुल ही स्वतंत्र संस्था है, किसी से उसके डर नहीं पड़े हैं बिल्कुल, है ना, तो किसी से डरने का तो है ही नहीं। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग तंत्र में, तंत्र मतलब शासन व्यवस्था में सहयोग करते हैं या उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता है। सो भाई राजशाही, जिसमें प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर पत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते, कोलाज बोलते हैं उसको, और इसको लोकतंत्र की जगह यहाँ पे गणतंत्र की बात कर रहे थे, है ना, ये गलत लिखा हुआ, गणतंत्र जिसमें राष्ट्र का प्रमुख लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। हालांकि हमारा राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको डायरेक्टली हम लोग नहीं चुनते, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे द्वारा ही मान सकते हैं हम, क्योंकि जो कोलेजियम होता है, अभी हम चर्चा करेंगे जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो कैसे उनका चुनाव होता है, किस प्रकार का है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा शक्ति विभाजन एक अलग विशेषता है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है राज्य की जो शक्तियां हैं, केंद्र की जो शक्तियां हैं और राज्य सरकारों में इनको विभाजित किया जाता है। दोनों ही सत्ताएं जो हैं एक दूसरे के अधीन नहीं होती हैं, मतलब किसी से डर नहीं पड़े, चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो काम केंद्र सरकार का है वो केंद्र सरकार करेगी, जो राज्य सरकार का काम है वो राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार ये नहीं कहेगी भैया काय नहीं कर रहा, वो कहेगा कि हम कर लेंगे, हमसे मत बोलो, तुम अपना काम पहले कर दो,
ठीक है। सो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अधीन तो है नहीं अपने कार्यों को करने में। यहाँ पे ये शक्ति कौन प्रभावित करता है, यहाँ पे संविधान ही है, जो संविधान से ये शक्ति उत्पन्न भी होती है और इसको नियंत्रित भी किया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता को लागू किया गया है भारत में, ये बहुत ही बड़ी विशेषता है। संविधान के उपबंध संघ और राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजन करने वाले अनुच्छेद अलग अलग हैं, बहुत सारे जो निम्न हैं, क्या क्या है, एक तो अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241, ये डायरेक्ट अनुच्छेद है जिसमें शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करी हुई है। भाग 5 जो है संविधान का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक शक्तियों का जो संबंध है वो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची जो है वो राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व, ये सारी चीजें पहले से ही संविधान में वर्णित हैं, उसकी सर्वोच्चता लागू होती है। संविधान में संशोधन की शक्ति कहाँ दी गई है, आर्टिकल 368 में। इन सभी अनुच्छेदों में सरकार अकेले संशोधन नहीं कर सकती, इसके लिए राज्यों की सहमति भी अनिवार्य मानी जाती है बहुत सारे में, ठीक है। चलिए, अन्य अनुच्छेद जो है शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है, लेकिन क्या क्या शक्तियां हैं वो देखते हैं। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा, क्योंकि इसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है, अतः संघ में लिखित संविधान आवश्यक होगा। संविधान की कठोरता, इसका क्या मतलब है, संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेते हैं, कोई अकेले नहीं संविधान संशोधन कर लेंगे, तो संविधान में कठोरता भी है। न्यायालयों की अधिकारिता भी मानी जाती, कैसे, कि इसका अर्थ यह है कि केंद्र और राज्य कानून की व्याख्या हेतु कभी भी जब समस्या आ जाए तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे, वो कौन है, वो न्यायपालिका ही है, ठीक है। चलिए, विधि द्वारा स्थापित शासन की बात करेंगे, न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे, वही देखेंगे कि भैया कैसी क्या शक्ति हो रही है। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे, जो भी अगर संविधान में लिखा है तो अंतिम व्याख्या कौन करेगा, संविधान की न्यायालय ही करेंगे, ठीक है। यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है भारत में। ये 5 शर्तें किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में 5 लक्षणों संविधान मौजूद हैं, अतः यह क्या है, संघात्मक संविधान माना जाता है। ये सभी के सभी लक्षण जो हैं किसी भी देश के संविधान को संघात्मक बनाने के लिए आवश्यक हैं, और भारत में ये सभी के सभी लक्षण मौजूद हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान कहा जाता है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो विभेदकारी हैं, क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। संघों के परस्पर समझौते से नहीं बना है, भाई सारे राज्य मिलजुल के नहीं आए हैं, हमने जबरदस्ती भी बहुत सारे राज्यों को भारत में इंक्लूड किया हुआ है। राज्य अपना अलग संविधान नहीं रख सकते, केवल एक ही संविधान होगा जो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होगा, बिल्कुल सही। भारत में द्वैध नागरिकता भी नहीं होगी, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता मानी जाती है ना, और जो कि भारतीय नागरिकता ही होगी केवल। अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आप हट जाओगे भारतीय नागरिकता, ठीक है। भारतीय संविधान में आपातकाल जब लागू होता है तो उसके जो उपबंध हैं आर्टिकल 352 से 360 तक हैं, तो लागू होने पर जब अगर मान लो ये 352 हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राज्य केंद्र जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, इसमें केवल एकात्मक संविधान बन जाता है, मतलब कि केवल शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, पर राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती जब भी कभी आपातकाल लग जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण संप्रभु हो जाते हैं, मतलब केंद्रों की सत्ता चलने लग जाती है, ठीक है। राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा कभी भी परिवर्तित कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन, केंद्र सरकार, बिना राज्यों की सहमति के, ठीक है। साथ ही साथ अनुच्छेद 3 में ये वर्णन किया गया, हम पढ़ेंगे जब पहला संघ और संघ शासित प्रदेश पढ़ेंगे, अतः राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है, कौन, राज्य, मतलब ये नाम लिख गया कि गुजरात, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गुजरात का नाम कल के दिन चेंज कर दें, हम बिल्कुल कर सकते हैं, हमेशा के लिए गुजरात नहीं होगा, जैसे हुआ भी था मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश जिसको आज हम बोलते हैं, पहले उसको मध्य प्रांत कहा जाता था, तो नाम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो केंद्र संघ को पुनर्निर्मित कर सकती है। भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके अंदर, और संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जिसको संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची कहा जाता है। इनके विषयों का वितरण केंद्र के भी पक्ष में है, मतलब हर चीज में केंद्र को वरीयता दी गई है एक प्रकार से, ठीक है। संघीय सूची में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस सूची में केवल संसद का ही अधिकार है, और क्या है, राज्य सूची का विषय बहुत कम महत्वपूर्ण है, और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण भी कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य
केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकता कभी भी, है ना। केंद्र राज्य का तो कर सकती लेकिन राज्य केंद्र का काम नहीं कर सकती, वही बात, ठीक है। अनुच्छेद 249 की अगर बात करें तो राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्या आवश्यक हो गया है, तो एक वर्ष हेतु लागू हो जाता है ये, कब, इसमें केंद्र सरकार राज्यों पे कानून बना सकती है। दूसरा, आर्टिकल 250 में भी लिखा है कि राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है। 252 जो है इसमें दो या अधिक राज्यों की विधायिका अगर प्रस्ताव पास करके राज्यसभा के पास भेज दे या उसको अधिकार दे दे तो संबंधित राज्यों पर क्या है, कानून बना सकती केंद्र सरकार। 253 में अनुच्छेद में है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए अनुपालन करने के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। 356 में तो बहुत अच्छे से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उस स्थिति में भी संसद ही राज्य हेतु कानून बनाती है, ठीक है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भी किया गया है, यह सेवक नियुक्ति प्रशिक्षण अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः केंद्र के ही अधीन है, क्या, अखिल भारतीय सेवा, जबकि ये सेवा राज्यों में देते हैं और राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कौन, ये जो सेवक हैं, राष्ट्रीय प्रशासनिक अखिल भारतीय सेवाओं के जो सेवक हैं वो भैया केंद्र के अधीन होते हैं, राज्यों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके अलावा जो विशेषता है वो एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है वो संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती, मतलब राज्यों का जो शक्ति है केंद्रों से बढ़ के तो कभी नहीं हो सकती है, हमेशा केंद्र की शक्ति ही ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं, संघात्मक ढांचे के लिए हमने बहुत मेहनत करी, कभी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों ये चीज़ें सही हैं और क्यों ठहराई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि ये गड़बड़ है तो अभी तक तो बदल जानी चाहिए थी, भाई हमसे विद्वान लोग बैठे हैं ना और 70 साल हो चुके हैं, 72 साल 75 साल हो चुके हैं संविधान बने हुए, तो भाई साहब ऐसी कंडीशन में क्या है कि बड़े बड़े विद्वान आ चुके हैं, अभी तक अगर ऐसा होता तो चेंज हो चुका होता संविधान, लेकिन ये संविधान अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसके लिए पुराने लोग परिस्थितियों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, या आप भी राज्य व्यवस्था पढ़ते होंगे या पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं को जानते होंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ईजी लगेगी और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये प्रमुख हमारी संविधान की क्या थी, विशेषताएं थी, आधारभूत विशेषताएं। इसके अलावा मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, इनको तो हमें पढ़ना ही है सारी चीज़ों को एक एक करके। तो ये बहुत सारे हमारी आधारभूत विशेषताएं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे अब धीरे धीरे किस चीज़ को पहले भाग से स्टार्ट करते हुए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.